أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد محمد ایک اور بلند تر صلوات اللهم صل على عزیزان گرامی برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی کل سلسلہ گفتگو اس سوال تک پہنچا تھا کہ درس اسلام حسین ہی کے حوالے سے کیوں یہ سوال بہت سے ذہنوں میں ہے اولاً تو ابھی بالکل آغاز تقریر ہے لیکن میرا دل پھٹتا ہے اور آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی جب آپ اس مسئلے کی طرف ملتفت ہوں گے اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہوگی کہ اب بھی اس وقت 21ویں صدی میں ایسے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر نام گرامی حسین سننے کے لیے آمادہ نہیں یہ ہے کیفیت اور میں ان افراد میں سے ایک ہوں جنہیں یہ صدمہ سہنا پڑا ہے کئی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں ایسے لوگ ملے کہ میں نے صرف نام حضرت سید الشہداء لیا اور ان کے چہرے فق ہو گئے یا ان کی تیوریوں پہ بل آ میں خود تجربے سے گزرا ہوں تو ایسی کیفیت میں اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام حسین کے حوالے سے سیکھیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ تو ان کے لیے کسی اعتبار سے قابل برداشت نہیں ہوگا
लेकिन ये याद रखिए कि अगर जरा भी इंसान जिम्मेदारी के साथ गौर करे, फिक्र करे, तअम्मुल करे, तदब्बुर करे, अगर इंसान अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर ले तो उसे हुब्ब हुसैन नसीब हो जाएगी। अगर सच्ची खुदा तलबी हो, अल्लाह की आरजू हो, अगर ये फिक्राई बहुत से लोगों के लिए अजीब होगा, अल्लाह की आरजू, अल्लाह की तलब। हम तो हर नफस दुनिया और लज्जात दुनिया की तलब में जाया हुए चले जा रहे हैं। शब रोज का जायजा तो लें हम लोग, इंसान मुसलमान, अपने शब रोज का जायजा तो लें, अपने दिल का जायजा लें, किन किन चीजों की तलब है दिल में। हर लम्हा दुनियावी एजाज, माले दुनिया, वजाहत दुनिया, आसाइश दुनिया, आराइश दुनिया, इससे फिक्र आजाद नहीं हो पाती। तो ये तस्वुर के हमें खुदा की आरजू है, ये तस्वुर, ये तसव्वुर बहुत बड़ा तसव्वुर है जो मैं रोज़े अव्वल से कह रहा हूं, अल्लाह की तलब, अल्लाह की आरज़ू। जो लोग कलिमा इस्लाम का पढ़ते हैं, रोज़े अव्वल से दो किस्मों में बटे रहे, एक छोटा सा गिरोह अलग रहा, एक बड़ी भीड़ अलग रही। ये छोटा सा गिरोह, इसमें इश्क इलाही, इरफान इलाही, ज़ौक इबादत, उस्वाए रसूल पर चलने की ललक, सीरत मुस्तफ़ा में इन्हिमाक, ये कैफियत उसकी थी। एक पैगंबर के एक इशारे पर जान निसार कर देना, जान निसार कर देना, तारीख है। अब क्या करें, तारीख है, और ऐसी तारीख है जिसे कुरान ने भी सब्त किया है। दो नुमाया गरोह हैं, एक गरोह वो है कि फर्ज कीजिए जंग उहद में किसी ने आवाज बुलंद कर दी कि कद कुतिला मुहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो चंद अफराद थे, चंद जो मैदान में डटे रहे, और बाकी मैदान से फिरार कर गए, पहाड़ियों पर चढ़ गए, और मुझे क्या पता, जो लोग मैदान में डटे रहे और जमे रहे, वो बहुत ही चंद नाम हैं, जिनमें से एक नाम कोहे सबात व अज़्म, और ये तरकीब भी बहुत कमतर है। आसमान इल्म आगही, और ये तरकीब भी बहुत कमतर है। अर्श इश्क व मारिफत, और ये तरकीब भी बहुत कमतर है। कुरान की जबान में या रसूल रहे या नफ्स रसूल, अमीरुल मोमिनीन, मौला मुत्तकीन, मौला मुवहिदीन, अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
जमे रहे, हुजूर का दिफा करते रहे। तारीख है, इस तारीख को कौन झुटला सकता है? कौन झुटला सकता है इस तारीख? हुजूर ने बाद में पूछा, या अली, जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए आखिर? क्या जवाब दिया है कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र इख्तियार कर लेता? अच्छा, ये जो मुकालिमा है ना, ये भी खुद मुस्तफा और मुर्तजा की शान से मुनासिबत नहीं रखता है। ये मुकालिमा इसलिए है ताकि तारीख में ये मुकालिमा मुंदरज हो जाए और दूसरों का ईमान और कुफर इस मुकालिमे की रोशनी में तय किया जाए। यानी इससे पहले कभी मैंने ये जुमला कहा था कि जो लोग फेहरिस्त साजी करते हैं कि सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, बच्चों में कौन इस्लाम लाया, औरतों में कौन इस्लाम लाया, बूढ़ों में कौन इस्लाम लाया, जवानों में कौन इस्लाम लाया, आजाद मर्दों में कौन इस्लाम लाया, गुलामों में कौन इस्लाम लाया, वो फेहरिस्त, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। अब तो हम ये देखते हैं जंग उहद के बाद दोबारा कौन इस्लाम लाया। मेयार मुकर्रर हो गया। ये मेयार मैंने थोड़ी मुकर्रर किया है, ये मेयार मैंने नहीं मुकर्रर किया। दोबारा ये एक सवाल है, एक जवाब। हुजूर ने सवाल किया है, या अली तुम क्यों नहीं चाहे? सुना है, क्या मैं ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता? ये मुकालिमा, इसके पीछे कुरान मजीद की आयत है कि क्या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अगर इस दुनिया से गुजर जाएं, अगर वो वफात पा जाएं या कत्ल हो जाएं, तो क्या तुम उल्टे पांव कुफर की तरफ चले जाओगे? ये सवाल असल में सवाल कुरानी है, ये सवाल असल में सवाल कुरानी है। तो बहरहाल ये तो मिसाल में अर्ज कर रहा था कि एक तरफ चंद नफूस हैं जिनके यहां इश्क और इरफान की सरशारी है, जो वाकयन बयात हक कर चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम इख्तियार किया है, सर तस्लीम हक किया है हुजूर इलाही में, सर तस्लीम खम किया है हुजूर इलाही में और हुजूर हक सुभानहु व तआला में, और दूसरी तरफ एक भीड़ है। ये भीड़ माल गनीमत के लिए, ये भीड़ माल गनीमत के लिए, ये इस इंतजार में रहती है कि जंग फतह हो और हम माल पे टूट पड़े। इसी जंग उहद को इस सबूत के तौर पे भी पेश किया जा सकता है। खुदा की कसम, कोई जंग ऐसी नहीं है जो पैगंबर इस्लाम हार गए हों। जंग उहद भी पैगंबर की जीती हुई जंग मुसलमानों ने नाफरमानी करके हारी है, पैगंबर की जीती हुई जंग। और क्यों हारी, कैसे हारे थे? माले गनीमत, माले गनीमत। एक भीड़ है जिसकी नजर सिर्फ या माले गनीमत पर है, यानी तलब अल्लाह की नहीं है, तलब रसूलुल्लाह की नहीं है, तलब आखिरत की नहीं है, तलब माले गनीमत की है, लज्जात दुनियावी की है। और इस्लाम के सहारे से इख्तदार तक पहुंचने की तलब है। कल भी यही था,
आज भी यही है। और अब एक जुमला कहूं, ये जुमला भी मेरा नया जुमला नहीं है, पहले एक निशस्त में कहा था लाहौर में, एक बहुत बड़ी तंजीम थी दारुल कुरान गालिबन, अगर मुझे सही याद है तो, कई बरस पहले जब वहां गया तो दारुल कुरान के तमाम ऑफिस बेयरर्स और आजा वर्कान खसूसियत से वक्त लेकर मुलाकात के लिए तशरीफ लाए, और यकीनन उनकी नीयतें बहुत सालेह और पाक नीयतें थी। वो हकीकत इस्लाम पे गुफ्तगू करना चाहते थे और वहदत इस्लाम और वहदत मुस्लिमीन पे गुफ्तगू करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये आखिर तफरीक क्यों है, ये दो अनवानात क्यों हैं। तो काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई, वो तो गुफ्तगू अभी रिकॉर्डेड है, मौजूद है। जब उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि आप अपने को हुसैनी मुसलमान क्यों कहलाना पसंद करते हैं, तो हमने कहा बात बहुत वाजे है, हम हुसैनी मुसलमान इसलिए कहलाने पर मुसर हैं ताकि हमें यजीदी मुसलमान ना समझा जाए। बहुत वाजी बात। तो जब मैं कहता हूं मुसलमानाने हुसैनी, तो ये खिताब कोई मानवीयत रखता है। पहले ही दिन मैं अर्ज कर चुका हूं, हुसैन एक फर्द का नाम नहीं, एक किरदार का नाम है, और इसी किरदार की जब तौसीह होती है तो फिर लफ्ज हुसैनियत वजूद में आता है। हुसैनियत एक हकीकत है, हुसैनियत वो इस्तिलाह है जो इस्लाम हकीकी के मुतरादिफ है। या दो लफ्ज इस्तेमाल करें, इस्लाम हकीकी, या एक लफ्ज इस्तेमाल करें हुसैनियत। लफ्ज़ इस्तेमाल करें इस्लाम हकीकी, और या एक लफ्ज इस्तेमाल करें कह दें हुसैनियत। इस्लाम हकीकी, इस्लाम इलाही, इस्लाम कुरानी, इस्लाम मुहम्मदी, इस्लाम असील, इस्लाम नाब मुहम्मदी और हुसैनियत, ये सब एक मानी है। और उसके मुकाबले में जो भी चाहे कह लें, इस्लाम सियासी, इस्लाम दुनियावी, इस्लाम दाइशी है या नहीं है। अब आप समझ गए, मेरा ख्याल है कि इतनी गुफ्तगू, इतने इशारे काफी है ये बात समझने के लिए कि हमें इस्लाम को डर से इस्लाम, जिक्र हुसैन से क्यों हासिल करना है, ताकि दाइशी इस्लाम हमारे हाथ न लग जाए। दुनिया तक दाइशी इस्लाम का पैगाम ना पहुंचे, दुनिया तक इस्लाम हकीकी का पैगाम पहुंचना चाहिए। इस्लाम हकीकी, इस्लाम इलाही, इस्लाम कुरानी दीन रहमत है, दीन मोहब्बत है, दीन इंसानियत है, दीन फितरत है, दीन फितरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम, इत्तेफाकन इसका नाम इस्लाम रख दिया गया, जो ये कलिमा मुश्तक है सिल्म से, और इसके अंदर सुल्ह और आमन और सलामती के मानी पाए जाते हैं। नहीं, इत्तेफाकन ये नाम नहीं पड़ा है। कुरान गवाह है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हक सुभानहु व तआला के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो बस इस्लाम है। असल दीन आता ही है अमन कायम करने के लिए।
और वो भी मामूली अमन नहीं, अमन का भी तसव्वुर महदूद तसव्वुर ना रहे आपके जहन में, अमन का तसव्वुर भी एक महदूद तसव्वुर ना रहे कि हमारे बीवी बच्चे और हम अमन से चैन से आफियत से घर में बैठे हैं, कोई जरर कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो हम अमन से हैं, बस ये अमन महदूद अमन नहीं। इस दुनिया में भी आप आफियत से रहें, जाहिरी नुकसानात से भी बचे रहें और बातनी नुकसानात से भी बचे रहें, और जहां टकराव हो जाहिरी नुकसान और बातनी नुकसान का, वहां तरजीह किसे देंगे? तवज्जो फरमाए, सोचा है इस तरह से? आपने तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रखी है सराते मुस्तकीम की, हैं? एक पेंसिल ले ली और एक स्केल लाइन खींच ली और ये है सराते मुस्तकीम। जैसे जमानो मकान में आलम खारिज में एक वो हमारे बरे सगीर में एक बहुत लंबी सड़क हुआ करती थी, हैं? जीटी रोड कहते थे उसे, हैं? हाँ, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी गालिबन, तो मालूम हुआ लाहौर से या काबुल से लेकर पेशावर से और कहाँ तक उस जमाने में, तो आपने समझ रखा एक सड़क है सरात मुस्तकीम सीधी, कहीं कोई उसमें कची नहीं है और बस उस पर गुजर जाना है आराम से, हैं? आफियत से चैन से सुकून से, ना कोई नशेब है ना फराज। एक अमन का तसव्वुर यह है कि हमारे बच्चे भूखे न रहे, हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचे, ये जाहिरी अमन है। और एक यह है कि हमारे बच्चों का पेट तो भर जाए, और जो पेट भर सकता है, अपनी देहाती जबान इस्तेमाल करें या शहरी जबान, जो दाल रोटी से पेट भर सकता है, हम दाल रोटी के बजाय बच्चों के सामने 14 किस्म के सालन और 18 किस्म के मीठे और न जाने कितने किस्म की रोटियां, एक शाही दस्तरखान लगाया करें रोज, ताकि बच्चे तो खुश रहें, बेगम तो खुश रहें, चाहे इसके लिए हमें गस्ब करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे इसके लिए हमें रेबाखारी करनी पड़े, चाहे इसके लिए हमें फरेबकारी करनी पड़े, तो जाहिरी तौर पे तो हम अमन आफियत से हैं, खूब दौलत कमा लेंगे फरेबकारी से, और घर के बाहर गार्ड्स भी मुकर्रर कर देंगे, सिक्योरिटी का भी इंतजाम हो जाएगा, घर में बड़े चैन और आफियत से रहेंगे, बड़ी आफियत से रहेंगे, और बाहर भी जब चलेंगे तो हमारे पास गार्ड्स होंगे, प्राइवेट गार्ड्स भी होंगे, हो सकता है हुकूमत से भी हम ले लें अपने रवाबित कायम करके, और एक जाह और जलाल और हशम और खदम के साथ हम जिंदगी बसर करेंगे, मगर उसके नतीजे में अंदर का अमन गारत हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने अंदर का अमन यही गारत हो जाएगा, दिल तारीख हो जाएगा, जहन रोशन नहीं रहेगा, तमाम खैर के तसव्वुरात मस्ख होकर रह जाएंगे, और हमारा यहां बातिन जिस तरह मस्ख होगा उसी तरह आखिरत में फिर हम अमन इलाही से महरूम हो जाएंगे। तो अमन का तसव्वुर भी महदूद ना रहे। इस्लाम उस अमन की तरफ बुलाता है कि जाहिर भी मामून रहे, बातिन भी मामून रहे, महफूज रहे। अब आप समझे वो हदीस कुदसी, वो अजीम शान हदीस जिसे हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब कहते हैं, हजरत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम, जब तागूत वक्त ने उन्हें तलब किया है और मजबूर किया है मदीने से हिजरत पर, आपने मदीना छोड़ा और उसके बाद मर्व की तरफ
تشریف لائے اور جب نیشاپور سے گزرے ہیں تو ہزاروں محدثین دور ہویا قلم اور کاغذ لے کر کھڑے ہوئے تھے, فرزند رسول گزر رہے ہیں, فرزند رسول گزر رہے ہیں, علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام گزر رہے ہیں. اور سب کی ایک ہی آواز ہے, فرزند رسول آپ اپنی زبان گرامی سے کوئی حدیث رسول سنا دیں. اور حضرت نے جو حدیث سنائی ہے وہ حدیث رسول بھی ہے اور حدیث قدسی بھی. اس کے معنی ہے کہ اس ایک ہی روایت میں آپ نے بتا دیا کہ قال اللہ سننا ہو تو مجھ سے سنو, قال رسول اللہ سننا ہے تو مجھ سے سنو. اور وہ حدیث مشہور ہے, اتنی بار میں خود پڑھ چکا ہوں, دوسرے پڑھ چکے ہیں, جگہ جگہ اس کے کتبے لگے ہوتے ہیں, توغرے لگے ہوتے ہیں, آپ کے گھروں میں اس کے توغرے ہوں گے. کیا عظیم شان حدیث ہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. امام نے فرمایا اس طرح سے کہ مجھ سے نقل کیا میرے والد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر نے, اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار جعفر ابن محمد نے, اور ان سے نقل کیا ان کے بعد والد بزرگوار محمد ابن علی نے, اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار علی ابن حسین نے, اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار حسین ابن علی نے, اور حسین ابن علی نے نقل کیا اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب سے, انہوں نے نقل کیا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نقل کیا جبرائیل سے کہ حق سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے, قلعہ ہے, قلعہ ہے, میرا حصن ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا. امن میں, لفظ امن, کون سا امن چاہیے آپ کو اسلام کے دامن میں؟ اور ہمارے امن کا تصور بھی عام طور پہ کیا لیے بیٹھے, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیویاں, ہماری گھر کی خواتین, ہمارے مرد, ہم جب نکلتے ہیں گھر سے یا گھر میں ہوتے ہیں تو امن اور عافیت کا کون سا تصور ہے ہمارے پاس؟ عام طور پر روز مرہ کی زندگی میں کس امن کے جستجو میں ہیں, کس عافیت کی جستجو میں ہیں؟ ہمیں کتنا بڑا تصور رکھنا چاہیے امن کا کہ ہمارا ظاہر بھی معمول و محفوظ ہو, ہمارا باطن بھی معمول و محفوظ ہو, ہماری دنیا بھی معمول و محفوظ ہو, ہماری آخرت بھی معمول و محفوظ ہو. اور اس میں ترجیحات ہوتی ہیں. یہاں دو قسم کے انسان اور دو قسم کے مسلمان وجود میں آتے ہیں, جہاں ظاہر اور باطن کا ٹکراؤ ہو جائے. کوئی اپنے ظاہر کی سلامتی چاہتا ہے, کوئی اپنے ظاہر کو قربان کر کے باطن کی سلامتی چاہتا ہے. جو ظاہر کی سلامتی چاہتا ہے وہ حسین کے ساتھ کربلا تک نہیں جا سکتا, ممکن نہیں. یہاں ٹکراؤ کس چیز کا تھا؟ آخر سرکار سید الشہداء کے لیے یہ جتنی ابھی تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں کہ آخر کیا عرض کروں میں. ابھی بھی آج کل تو بہت آسان ہے, یوٹیوب پر جائیں آپ اور بعض ایسے, ہاں آپ یہ کہہ لینے دیجئے مجھے, بعض ایسے سو کالڈ اسلامک اسکالرس یا مسلم اسکالرس ہیں, ایسے نام نہاد مبلغین ہیں جنہیں داعیہ اسلام کہا جاتا ہے, انہیں آقا حسین کی بس اتنی ہی معرفت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں حسین کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. یہ جملے استعمال ہوتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں,
बज़ाहिर उसमें लिखा होता है मक्तलुल इमाम हुसैन, यानी गोया इमाम हुसैन के का मक्तल बयान कर रहे हैं, आपकी शहादत का बयान कर रहे हैं, लेकिन वो बयान इस तरह करते हैं कि तारीख पढ़ लीजिए, हुसैन तन्हा थे, अपने घर के चंद लोगों को, खानदान के चंद लोगों को, चंद दोस्तों को लेकर आ गए, इस निकलने का कोई जवाज ही नहीं था, इसलिए कि एक हाकिम मुकर्रर हो चुका था, खलीफे वक्त के खिलाफ निकले थे, खुरूज किया था। ये पुराने जुमले नहीं है, ये दोहराए जा रहे हैं मुसलसल, ये अब भी मुसलसल दोहराए जा रहे हैं। और इब्ने अब्बास आए और अब्दुल्ला इब्ने उमर आए और फला आए और फला आए और फला आए और सब ने कहा कि हुसैन कहाँ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो तन्हा जाएं, बीवी बच्चों को लेके क्यों जा रहे हैं, और हुसैन ने किसी की बात नहीं मानी और गए, और यकीनन बड़ी मजलूमियत के साथ कत्ल हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। ये हुसैन के मक्तल को बयान करने का अंदाज आज 21वीं सदी में, जब मैं कहता हूं कि गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आज तो तुम्हारे सरों पर यजीद की तलवार नहीं लटक रही है। ये जुमला मैं इससे पहले भी कह चुका हूं और दोनों अल्फाज मैंने कहे हैं कि आज इसे 21वीं सदी में न किसी के सर पे अली की तलवार लटक रही है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और न किसी के सर पर बनू उमैया की तलवार लटक रही है। कम से कम आजादी जमीर का सबूत तो दें। आजादी जमीर का सबूत तो दें, मगर उन बेचारों के साथ, इन मिस्कीनों के साथ मुश्किल है। मुश्किल यह है कि जो इस्लाम इन तक पहुंचा है वो अमवी रिवायत से पहुंचा है, जो इस्लाम इन तक पहुंचा है वो सियासी इस्लाम पहुंचा है, इलाही इस्लाम पहुंचा ही नहीं, इलाही इस्लाम नहीं पहुंचा है। इलाही इस्लाम पहुंचेगा कैसे? जिक्र हुसैन के सहारे से, इसलिए जोर दिया जा रहा है कि दर से इस्लाम है हुसैन का जिक्र। हुसैन को क्या समझते हैं? फिर वही कहूंगा, आप हजार की लाखों बात की सुनी हुई और खुद मेरी दोहराई हुई, लेकिन किसी मकसद से ये दोहरा रहा हूं। आप जो मेरे सामने तशरीफ फरमाए, परवरदिगार आपके दराजात बुलंद फरमाए, आपकी ऐसाई ये कोशिश, और जो लोग भी मजालिस को मुनाकिद करने के सिलसिले में जहां जहां सही कोशिश करते हैं, परवरदिगार उन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। बात मेरी दूर तक चूंकि सुनी जा रही है इसलिए दोहरा रहा हूं, आखिर आप अपनी किताबों में नकल करते हैं हुजूर की ये हदीस, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। एक सलावत पढ़िए और जरा और आगे आ जाइए। बुलंद आवाज से सलावत पढ़िए और आगे आ जाइए। एक और बुलंद सलावत, एक और बुलंद सलावत, अब तशरीफ रखें, जहां जगह मिल रही है वहीं तशरीफ रखें, एक और बुलंद सलावत पढ़ने। तो ये मसला बहुत अहम है, इस्लाम शनासी का मसला। देखिए जितनी तारीखें लिखी गई हैं इस्लाम मुसलमानों की, वो सब दरबारों और सरकारों के मुतवस्सलीन ने लिखी है ज़्यादातर,
या बनु उमैया ने तारीखें लिखवाईं या बनु अब्बास ने तारीखें लिखवाईं, और जिसने तारीख लिखवाई उसने अपने नुक्ता नजर से लिखवाई, उसने अपने नुक्ता नजर से लिखवाई। इसलिए वाकयान तारीख इस्लाम, तारीख कुरान, तारीख मुस्तफ़ा और तारीख अहले बैत मुस्तफ़ा हम तक पूरी की पूरी पहुंची नहीं है। न जाने कितने मुअज्जज़ात, कितने कमालात, कितने फवाइल, कितने वाकयात, कितनी तफसीलात, कितने बरकात हम तक नहीं पहुंचे तारीख की खयानत से। इसीलिए फिर दोहरा रहा हूं अपना जुमला कि ये तारीख सिलसिले रोज और शब की तरह जितनी रोशन है उतनी ही तारीख भी है। जितना जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हम तक पहुंच रहा है बस इतनी रोशनी है, बाकी सब तारीकी ही तारीकी है, सब तारीकी ही तारीकी। तसव्वुरात मुबहम हो गए। असल इस्लाम में जिस कदर जोर दिया जा रहा है सिर्फ दुनिया परस्ती पर, इस्लाम में कुरान मजीद ने क्या कहा था, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, आगे क्या है, लिमन कान यरजुल्लाह, बेशक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह में, रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है उसके लिए जिसके अंदर अल्लाह की तलब हो। तो ये अल्लाह की तलब वाला फिक्रा वे लोग लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना कह के खामोश हो जाते हैं, गोया आगे इससे कुछ है ही नहीं। जिसमें अल्लाह की तलब हो और आखिरत साजी की फिक्र हो उसके लिए नमूना है हुजूर की जिंदगी। कुरान है ये कुरान, जिसे अल्लाह की तलब हो, अल्लाह की आरजू हो, लिकाउल्लाह की फिक्र हो, आखिरत की फिक्र हो, उसके लिए नमूना है रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर हमारे यहां बेशतर वो चाहे मुफस्सरीन हो, चाहे फुकहा हो, चाहे मुतकल्लिमीन हो, चाहे खुतबा हो, और चाहे आम मुसलमान दानिश्वर हो, वो इस्लाम की तफसीर इस तरह करते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरत इस तरह लिखते हैं, इस तरह बयान करते हैं, इस तरह उसकी तशरीह और ताबीर पेश करते हैं जैसे कि सब कुछ बस इसी दुनिया की हुकूमत कायम करने के लिए था और है, और जिस तरह भी हो हुकूमत कायम कर ली जाए, और जिस तरह कोई हुकूमत कायम कर ले, यानी हुकूमत कायम करने के लिए कोई किसी उसूल को सामने रखने की जरूरत नहीं है। जब वो हुकूमत कायम कर ले और हाकिम बन जाए तो अब आवाम पे उसकी इताअत लाजिम है। अच्छा सुभान अल्लाह, तो भी सारी दुनिया में जो मुसलमान अपने हुकूक के लिए मुतालबे करते हैं हुकूमरानों से और एहतजाज करते हैं, इसका क्या जवाब है? इंकलाब की कोशिशें करते हैं, इसका क्या जवाब है? और हमारे यहां एक शख्स जिस तरह भी पहुंचा, दो तीन लोगों ने बैठ के किसी को आपस में कह दिया कि भाई तुम हाथ बढ़ाओ, मैं बैयत करता हूं, और बाहर आके ऐलान कर दिया बैयत हो गई, अब सब खामोश हैं, अब किसी को इख्तिलाफ का हक नहीं है, जो इख्तिलाफ करेगा उसका घर फूंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, हुकूमत कायम होगी। अच्छा सर, और किसी ने तन्हा ही किसी दूसरे के लिए लिख दिया कि मैं जा रहा हूं अब मेरे बाद तुम हो गई हुकूमत कायम, किसी को इख्तिलाफ का हक नहीं। और क्या क्या आइडियल जमहूरी निजाम है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद।
اسے کہتے ہیں اسلامی جمہوری نظام, اسلامی مثالی نظام. کیا؟ آئیڈیل مثالی نظام, عادلانہ نظام. اس نظام میں جان کی قدر کتنی ہے؟ جان کی قدر یہ ہے کہ جو اختلاف کرے اس کی گردن اڑا دو, چاہے کوئی بھی ہو. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. مثلا کوئی ایک حکمران دنیا سے جاتے وقت کہتا ہے کہ میں اپنے بعد پانچ آدمیوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں, چھ آدمیوں کی, یہ طے کرے گی کہ کون حاکم ہوگا. کیسی اچھی جمہوریت ہے. یہ چھ آدمی طے کریں گے جنہیں میں معین کر رہا ہوں. عوام کے منتخب نہیں ہیں لوگ, یہ عوام نے منتخب نہیں کیا, مسلمانوں نے منتخب نہیں کیا, مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے. میں نے اپنی پسند سے چھ آدمی منتخب کیے, کہا یہ چھ آدمی آپس میں طے کر لیں گے. جیسے ہم دو تھے آپس میں طے کر لیا, اب یہ چھ آپس میں طے کر لیں گے. ارے یہ چھ آپس میں طے کر لیں گے, اور ان میں اگر اختلاف ہوا تو تین ایک طرف ہو گئے اور تین ایک طرف ہو گئے. تو ایک شخص کو نام ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ جس طرف ہوگا وہ حق پر ہوں گے, اور باقی سب کے لیے مان گئے تو مان گئے ورنہ گردن اڑا دیجیے. کیا اچھی جمہوریت ہے, آئیڈیل جمہوریت, عادلانہ جمہوریت, عادلانہ جمہوریت. آج کل اس کو کہتے ہیں جمہوریت. اگر پانچ ایک طرف ہوئے, ایک نے اختلاف کیا تو اسے قتل کر دیا جائے, اگر چار ایک طرف ہوئے, دو نے اختلاف کیا تو اسے قتل, یعنی قتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. قتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. اور اس پر آج کی 21ویں صدی کی انسانیت کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. اسلام دوسروں کے گلوں کو کاٹنے کا نام نہیں ہے, خدا کی راہ میں اپنے گلے کٹانے کا نام ہے. یہ وہ درس ہے جو حسین کے ذکر میں ملتا ہے. کھلی ہوئی باتیں ہیں بھائی, اب کتنا تقیہ کیا جائے. صلوات پڑھی ہے محمد. دیکھیے میں ایک بات کہوں, تقیہ وہاں واجب قرار دیا گیا ہے جہاں اپنی جان بچانی ہو, جہاں اسلام بچانا ہو, وہاں تقیہ نہیں ہے. آپ تقیہ کریں تو کریں, مجھ پہ تھوڑی تقیہ واجب ہے. میں تقیہ کرنے لگا تو دین بیان کون کرے گا. یہ جو زور ہے کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر, اسے سمجھیں. مسلمان, پیارے مسلمان, سمجھیں کہ حسین کے ذکر کے کیا معنی ہوتے ہیں. حسین کا ذکر اور حسین کے بابا کا ذکر. آپ سے بھی ہمیں شکایت ہے, آپ جب بھی حسین کے بابا کا ذکر کرتے ہیں تو تلوار چلانے والے ایک شجاع کا ذکر کرتے ہیں. علی نے تلوار کم چلائی ہے, تلوار روکی زیادہ ہے. تلوار چلائی کم ہے مولا نے, روکی زیادہ ہے. علی کے مزاج میں شجاعت تھی, بہت تھی. علی پیکر شجاعت تھے, مگر انہوں نے اپنی شجاعت کا اظہار صبر کے انداز میں کیا. اور آج میں یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھیں اور نوٹ فرما لیں اور غور کریں اور نقل کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا شجاع ترین انسان علی اور صابر ترین انسان حسین ہے؟ میں اس کے برعکس کہتا ہوں, دنیا کا صابر ترین انسان علی اور شجاع ترین انسان حسین. دنیا کا صابر ترین انسان ہے علی,
नहीं, और शुजा तरीन इंसान है हुसैन। हुसैन वो शुजा है, वो शुजा है जो जाहिरी तौर पर आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े हुक्मरानों के दिल और जिगर कांपने लगते हैं। तमाम जितने ताहूत वक्त हैं इस वक्त, जितने मुलुकियत और ताहूतियत के तख्त पर मसनद नशी है, तख्त नशी है, इन तमाम हुकूमतों में अगर पाबंदी है किसी जिक्र पर तो जिक्र हुसैन है। क्या खौफ है तुम्हें जिक्र हुसैन से? ये अपनी छाती पीटने वालों से तुम्हें क्या खौफ है? हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, नारा हैदरी। अब समझे आप, हुसैन उस शुजा का नाम है कि जिसका नाम सुनकर हुक्मरानों के दिल और जिगर कांपने लगते हैं। वो मशहूर मर्सिया है मिर्ज़ा दबीर अलैहि रहमा का, जनाब हजरत अब्बास अलैहि सलाम की शान में है कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, है? लेकिन ये सरकारें हजरत अबुल फजल अब्बास की शान में तो है ही है, लेकिन खुद नाम गिरामी हुसैन वो है, नाम हुसैन, नाम हुसैन। आज इस दुनिया में ना हुसैन है, ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना हुर, ना जुहैर, दुनिया में कोई नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि कोई इस उम्मत में, इस कुरे अर्ज पर कोई ऐसा है जो हुर के बराबर भी साबित हो सके, मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं पहचानता, होगा कोई होगा, मैं नहीं पहचानता कि कोई जुहैर के बराबर भी हो आज इस वक्त पूरे कुरे अर्ज पर। सिर्फ इन शहीदों के जिक्र का इतना खौफ है कि हुकूमतें पाबंदी आयद कर रही हैं, इमाम बारगाहों पे बम बरसाए जा रहे हैं, इमाम बारगाहों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जाकिरीन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और हमारे यहां आज ये खौफ है सिर्फ जिक्र का। आप सोचो जिसके जिक्र की ये हैबत हो, जब वो खुद सांस लेता हुआ वजूद मौजूद होगा तो क्या उसके सांसों की गर्मी तख्ते शाम को जला देने के लिए काफी ना होगी? हौसले बुलंद रखे और आपको हर आसेब से महफूज रखे। पहचानिए हुसैन कौन है, और देखिए जो तारीख पहुंची है ना, नहायत नाकिस तारीख पहुंची है। अभी महदूद दिन थे और महदूद साथ हैं, तो मैं पढ़ नहीं सका जो कुछ पढ़ना चाहता। कोई नई बात, कोई नई रिसर्च, कोई नई तहकीक पेश करने के लिए भी अगर आप सदियों से कोई बात सुनते चले आ रहे हो, उसके खिलाफ कोई बात मैं बयान करूं या उससे जरा हटकर बयान करूं, तो फिर एक दो लफ्जों में या एक दो जुमलों में बात बनेगी नहीं। ये जो नक्शा बयान किया जाता है हमारी और दूसरों की सबकी किताबों में है, ये नक्शा इस तरह नहीं था। हुसैन तन्हा नहीं थे, हुसैन के साथ सिर्फ 72 हों ये भी नहीं है। हुसैन का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर था, बहुत बड़ा लश्कर था। ज्यादातर लोग जब तारीख सरकार सैयद शहदा और तारीख करबला लिखते हैं तो तबरी पे इत्मीनान करते हैं,
حالانکہ مورخ طبری طبری جلیل القدر شخصیت کے حامل ہیں علمی اعتبار سے. طبری نے تفسیر بھی لکھی ہے, طبری فقیہ بھی تھے اپنے وقت کے, طبری محقق تھے, ادیب تھے, شاعر تھے, نقاد تھے. طبری علمی اعتبار سے میں ان کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں, اور اس لیے بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگرچہ طبری اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ انہوں نے علی سے دور گزارا, علی ابن ابی طالب سے دور گزارا, مگر آخری عمر میں انہوں نے تحقیق کی اور دو زخیم جلدوں میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کتاب الولایہ, اور جس میں وہی حدیث غدیر پر تحقیق کی ہے انہوں نے اور قبول کیا ہے, اور اس کتاب کے حوالے خود برادران اسلام میں سے جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں, جو غدیری نہیں ہیں, انہوں نے بھی حوالے دیے ہیں, انہوں نے بھی حوالے دیے ہیں. تو اس لیے بھی میرے دل میں مورخ طبری کی یعنی خود طبری کی بہت اہمیت ہے, مگر جو کچھ تاریخ طبری میں ہے, جو کچھ تفسیر طبری میں ہے, وہ سب کا سب درست نہیں ہے. طبری کے ہی معاصر ہیں مورخ ابن عاصم کوفی اور دوسرے بھی مورخین ہیں. مورخ ابن عاصم کوفی کو عموماً نظر انداز کیا گیا, حالانکہ مورخ ابن عاصم کوفی خود کوفے سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں اس لیے کہ کوفے کے حالات سے وہ زیادہ باخبر ہیں, عراق کے حالات سے وہ زیادہ باخبر ہیں اور مورخ ہیں. تو انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے, اور وہ واقعے کا ذکر یہ ہے کہ جب طاغوت بنو امیہ کا انتقال ہوا اور طاغوتیت منتقل ہوئی, اس وقت یہ طاغوت زادہ یزید ابن معاویہ یہ دمشق میں موجود نہیں تھا, یہ دمشق میں موجود نہیں تھا, دمشق سے دور کافی دور دوسرے شہر میں اپنے معمول کے مشاغل میں مشغول تھا. اسے خط پہنچا کہ بھئی اب تو امیر المومنین ہو گئے ہو, اب میں ظاہر سی بات ہے میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے. آقا حسین کا وہ مسئلہ ہے جس میں میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں اور بہت ضبط کر کے پڑھتا ہوں مجلس, اور اکثر مجلس پڑھنے سے گریزاں اسی لیے رہتا ہوں کہ ایک مجلس پڑھنے میں میرے دل دماغ اور جسم پر اور نفس پر کیا کیا کیفیتیں گزر جاتی ہیں. میرے لیے مجلس پڑھنا آسان نہیں ہوتا عموماً, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے کے کچھ لازمی اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال جب اس تک خط پہنچا اور وہ دمشق آیا اور اس نے پہلی تقریر کی ہے, اس پہلی تقریر میں اعلان کیا ہے کہ اہل شام تیار ہو جاؤ, ہمارے اور اہل عراق کے درمیان خون کا سمندر حائل ہے, ہمیں ایک عظیم جنگ کا سامنا ہے. توجہ فرمائیے, یہ کیا خطاب ہے, پہلا خطبہ. اس کے معنی یہ ہے کہ پورا عراق پہلے سے معلوم تھا دمشق کو کہ عراق دمشق کے زیر اقتدار نہیں ہے,
तवज्जो फरमा रहे हैं। और जबकि आका हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ थे? मदीने में। आका हुसैन मदीने में, और ऐलान हो रहा है, ये नहीं ऐलान हो रहा है कि मदीने से जंग है, ऐलान हो रहा है कि इराक से जंग है। अहले इराक से हमें एक बड़ी लड़ाई दरपेश होने वाली है, दरपेश है, तुम तैयार रहो। अजब, एक तरफ ये स्टेटमेंट देखें, दूसरी तरफ इस हकीकत पे गौर फरमाएं कि सरकारे सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने खत नहीं लिखा है अहले कूफा को, अहले बसरा को, अहले इराक को कि देखो मैंने यजीद की बैत नहीं की है, मैं आ रहा हूं, तुम हमारी मदद करो। अहले कूफा ने, अहले बसरा ने, अहले इराक ने इमाम हुसैन को खत लिखा है कि हमारे पास कोई ऐसा इमाम नहीं है कि जिसकी हम बैत कर सकें, आप हमारी दस्तगीरी फरमाएं। बहुत वाजे है ना ये मंजर। इमाम हुसैन ने इब्तिदा नहीं की है, खत नहीं लिखा है कि मैं आ रहा हूं, इंकलाब बर्पा करो। दोनों में जमीन ता आसमान फर्क है, जमीन ता आसमान फर्क है। एक तरफ कोई शख्स अपने को पेश करे, मैं आ रहा हूं, मेरे लिए तैयार हो जाओ, मेरे लिए आमादा हो जाओ, मेरा साथ दो। एक तरफ ये कि आवाम कह रहे हैं आप आइए, हम आपके साथ हैं। और जब एक बड़ी तादाद में आवाम किसी से भी मुतालबा करें कि हमारे पास कोई रहबर, कोई हादी, कोई कायद, कोई रहनुमा, कोई इमाम नहीं है जो हमारी दस्तगीरी करे, और आप पर लाजिम है कि हमारी दस्तगीरी करें, उस वक्त एक जिम्मेदार कायद की क्या जिम्मेदारी है? माजरत कर लें, नहीं साहब हम तो नहीं आ सकते, आप उसी की बयात कर लें, यानी इंडोर्स कर दें हुसैन। एक फासिक की, एक फाजिर की बैत कर लें आप, मैं तो नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ सकता, मुमकिन है ये? देखिए किस तरीके से नकल की गई है तारीख, और हकीकत क्या है, हकीकत क्या है। और सरकारे सैयद शुहदा ने ये पहली बार नहीं आए कि जो तागूत शाम के इंतकाल के बाद तागूत ज़ादे की बैत का इनकार किया हो, नहीं। अब ये मेरा जुमला है और मैं इसे साबित करने के लिए हमेशा आमादा हूं। पहले लफ्ज बैत को समझें, फिर मतन तारीख को दुरुस्त करें। हुसैन ने कभी बैत नहीं की, बैत का इकरार नहीं किया, ना हसन ने बैत की, ना हसन और हुसैन के बाबा ने किसी की बैत की। जो लोग सादा तौर पर लिख के चले जाते हैं कि बैत की, बैत की, बैत की, गलत लिखते हैं, गलत कोट करते हैं तारीख, और खुसूसियत के साथ जनाब सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन का कदिया तो बहुत रोशन है। पहले से मालूम था कि बैत नहीं की है और नहीं करेंगे, और बयात नहीं की, क्यों नहीं की? हुसैन अमन पसंद नहीं थे, हुसैन सुल्ह पसंद नहीं थे। हुसैन अलैहिस्सलाम, अब जाहिर सी बात है कि अक्सर ये जुमला आप सुनते रहते हैं कि बंदिश आपका सिलसिला शुरू हो गया और जंग का सिलसिला शुरू हो गया, फिर भी अपनी तरफ से कहते रहे हम जंग में इब्तिदा नहीं करेंगे। समझने से ताल्लुक रखते हैं ना ये मकामात। तारीख को, तारीख का तज्जिया करें, तारीखी बयानात का तज्जिया करें, तारीखी हवालों की तहकीक करें। आसान नहीं है ये कजिया, मुश्किल बना दिया गया है, वैसे दर हकीकत बहुत आसान है। कोई मर्द इलाही किसी बंदे दुनिया की बैत नहीं कर सकता। यही बात है जो इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं। असलन जरा मेरा साथ दीजिए, गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। दुनिया में कोई पढ़ा लिखा, जेन्युइन पढ़ा लिखा, खरीदी हुई डिग्री नहीं,
कोई जेन्युइन पढ़ा लिखा आदमी, कोई जीनियस किसी जाहिल के आगे सर झुकाने को तैयार होगा? फितरत इंसानी क्या कहती? कोई बा किरदार इंसान किसी बद किरदार के सामने सर झुकाने को तैयार होगा? कोई साहेब हसब व नसब किसी जलील बदनसब के आगे सर झुकाने को तैयार होगा? कोई शुजा किसी बुजदिल के आगे सर झुकाने को तैयार होगा? हुसैन खुद शुजा इब्ने शुजा मुकाबला उससे है कि जिसके आबा और अजदाद की फरार की तारीख मौजूद है। कोई सखी और जवाद किसी बखील के सामने सर झुकाने को तैयार होगा? आम फितरत इंसानी, आप अपने अपने गरेबान में झांक के देखें। मुमकिन नहीं है कि कोई आलिम किसी जाहिल के आगे सर झुकाने के लिए आमादा हो जाए। मुमकिन नहीं है कि कोई आदिल किसी जालिम और फासिक के आगे सर झुकाने के लिए आमादा हो जाए। और इसी तरह आप गिनते चले जाएं महासिन अखलाक को कमालात इंसानी, और जहां कमालात इंसानी किसी शख्स में मुजस्सम हो, मुमकिन कैसे है कि वो किसी पस्त इंसान के आगे बयात के लिए झुक जाए? मुमकिन कैसे है? मुमकिन नहीं है यह कजिया, फितरी एतबार से मुमकिन नहीं है। न फितरी एतबार से मुमकिन है, न उर्फी एतबार से मुमकिन है, न समाजी एतबार से मुमकिन है, न सियासी एतबार से मुमकिन है। अगर सियासत हकीकी सियासत हो, अगर सियासत पाकीजा सियासत हो, अगर सियासत वाकई सियासत हो, और अगर आपने अय्यारी का नाम सियासत रखा है, तो फिर मसला दूसरे अंदाज से ज़ेरे गौर आएगा। लेकिन वहां भी याद है, इस वक्त भी रुए जमीन पर, इस वक्त रुए जमीन पर, अब मैं मिसालें नहीं देना चाहता, वक्त तमाम हो चुका है और मिसालें बहुत नाजुक हो जाएंगी, क्योंकि अभी ताजा मिसालें हैं। फर्ज कीजिए कि किसी मुल्क में किसी शख्स के लिए ऐलान हुआ कि फलां साहब वजीर आजम होंगे, तो उसी मुल्क के और उन्हीं के हम मजहब जो जेन्युइन साइंटिस्ट और स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने कहा यह कैसे मुमकिन है कि एक जाहिल इंसान हमारे मुल्क का वजीर आजम हो जाए, और अगर वो हमारे मुल्क का वजीर आजम हो जाएगा तो मुल्क छोड़ देंगे। आज 21वीं सदी में आम इंसान अगर इल्म रखता है, हुनर रखता है, विजन रखता है, तो किसी जाहिल को अपनी हुकूमत का, अपने मुल्क का सरबराह नहीं देखना चाहता, वो हुसैन इब्ने अली, जिसकी परवरिश हुई हो लुआब दहाने मुस्तफा से। ये मुसलमान, इस मुसलमान की जहानत को किसकी नजर लग गई, इसके अकल पे किसने सहर कर दिया? क्या हुआ मुसलमानों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? गौर तो करो, गौर तो करो। सियासत और सहर दोनों सीन से लिखे जाते हैं। यकीनन किसी ने सहर कर दिया, किसने सहर कर दिया? गौर करो, रद्द सहर की दुआएं पढ़ो ताकि हुसैन समझ में आ जाए, ताकि हकीकतें समझ में आ जाए। वो मुसलमान जो खुदा का कलमा पढ़े, वो इतना नादान हो जाए कि फासिक और फाजिर के आगे सर झुकाए, है? और न सिर्फ ये कि खुद सर झुकाने के लिए तैयार हो जाए, बल्कि वो ये भी बावर करे कि हुसैन सर झुका सकते हैं, हसन सर झुका सकते हैं, अली सर झुका सकते हैं। बस जाहिर है कि मैं जिस अंदाज से गुफ्तगू, जिस रुख पर चल पड़ी आज, अगर गुफ्तगू करता रहूं, जब मुझे जलाल आ जाता है तो थकन का एहसास वक्ती तौर पे नहीं होता है, बाद में जो गुजरती है गुजरती है, लेकिन मुझे एहसास है कि
आप जिस मुल्क में हैं यहाँ इस मुल्क में, बहरहाल कल आपको फिर वही जुमला कहूँगा कि आपको दुनिया तस्खीर करनी है, आपको दुनिया को मुसख़र करना है, हैं? दुनिया आपकी तस्खीर ना करने पाए, आप दुनिया की तस्खीर करें। तो आपको अपने अपने वक्त से अपने दफ्तरों को जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं कर सकता, गुफ्तगू का दामन समेटता हूँ। हुसैन ने कभी बैत नहीं की थी, ये पहली बार नहीं था कि हुसैन ने बैत का इनकार किया, और इनकार क्यों किया था मैं अर्ज कर चुका हूँ गुज़िश्ता मजलिसों में कि ये तो वो खानदान है जो लफ्ज़ ला से आशना नहीं था। अगर कोई कुछ मांगता तो ये देने के लिए नहीं कभी नहीं करते, दुनिया मांग ले, कोई खजाना मांग ले, तख्त मांग ले, ताज मांग ले, पैसा मांग ले, जमीन मांग ले, बाग मांग ले, मगर यहां बैअत के मानी कुछ और है। जो अपने नफ्स का सौदा खुदा से कर चुका हो वो किसी दूसरे से बैअत कैसे कर सकता है? और ये बात खुद अमीरुल मोमिनीन के लिए भी है, कुरान मजीद में आयत है, वमन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, जिसने अल्लाह की मर्जियां खरीदी हो अपना नफ्स बेचा हो अल्लाह के हवाले। ये कब की है ये आयत? शबे हिजरत। मैं कुछ देर कबल शबे हिजरत ही का हवाला देना चाह रहा था, किस एतबार से कि आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं सिर्फ उन मैदानों में जहां अली ने तलवार चलाई है, जहां अली ने तलवार नहीं चलाई है वहां किस कदर शुजात सामने आती है। अरे बस दो तीन जुमले कहूंगा ये आप समाज फरमा लें और उसके बाद बस मसाइल की तरफ। आप समझते हैं बद्र में जो अली ने शुजात दिखाई वो ज्यादा बड़ी है, ओहद में, खैबर में, खंदक में, सबसे ज्यादा शुजात का इजहार तो शबे हिजरत हुआ है। जहां 40 मुशरिक सूरमाओं की तलवार अली के सिर्फ रोब और दबदबे से रुकी रही, आप सोचे शबे हिजरत का वाकया किस तरह बयान होता है और क्या हुआ होगा, किस तरह अली इत्मीनान के साथ लेते नहीं है सोए हैं। आपकी सुनी हुई बात है ना, अली उन रातों को नहीं सोते थे, जिक्र खुदा में याद जागते थे। उमूमन मौला की सीरत है ये, और मौला ने तालीम फरमाया कि चंद घंटे की मुसलसल नींद न सोया करो, नींद तोड़ तोड़ के सो, बीच में उठो और याद खुदा करो। अली ने सोने का सलीका सिखाया, गफलत की नींद ना सोया करो, 8 घंटे 10 घंटे लगातार सो रहे, घंटे दो घंटे सोए फिर उठो याद खुदा करो, सजदा करो, 2 रकत नमाज पढ़ो फिर सो जाओ, फिर उठो फिर खुदा को याद करो फिर सो जाओ। जो हमें ये सिखाए सोने का सलीका वो खुद कैसे सोता होगा? तो अली तो बेदार रहते थे दिन भर, दुनिया की तस्खीर करते थे और रात भर आखिरत की तस्खीर करते थे। तो जो हमेशा जागता हो वो आसानी से सो कैसे गया? ये थी शजाअत मौला की, ये शजाअत बहादुरी थी। और शजाअत का इजहार कैसे हुआ? तलवार चला के नहीं, सोकर। अली की ये शजाअत, अली की जाती तो थी ही लेकिन मीरास में भी ऐसी ही शजाअत मिली थी। अब तारीख याकूबी का हवाला दूंगा मैं,
तारीख याकूबी में यह है कि एक जंग लड़ी गई है अरब में जो हर्बुल फिजार कहलाती है। ये जंग वो थी कि जो अरब में दो गरोहों में बढ़ गए थे लोग, एक तरफ वो थे जो फिस्क व फुजूर को रोकने के लिए जंग कर रहे थे और एक तरफ वो लोग थे जिनका काम था फिस्क व फुजूर, जो आने वाले कारवानों को लूट लिया करते थे, हाजियों के कारवानों को लूट लिया करते थे, मक्के आने वालों के माल व असबाब को लूट लेते थे, जान से मार देते थे। तो दो गरोहों में बट गए। ये बहुत बड़ी जंग है जो लड़ी गई है अरब में। इसमें जाहिर है कि कबीले, कुछ कबीले इधर कुछ कबीले उधर। बनू हाशिम का कबीला किधर था? फिस्क फुजूर के खिलाफ लड़ने वालों के साथ। और महाजाराई होती थी, बाकायदा जंग होती थी। तारीख का बयान है, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज मुबालगे के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। तारीख का बयान है कि जनाब अबू तालिब सैयद बतहा कमर अरब खुद तलवार नहीं चलाते थे कभी, अल्लाह अकबर, मगर वो दबदबा था, वो हैबत थी, वो वजाहत थी, वो शजाअत थी, वो रौब था, वो जलाल था शख्सियत में, और वो तासीर थी। तारीख के अल्फाज हैं, तारीख के किसी शायर का मिसरा नहीं है। तारीख के अल्फाज हैं कि जनाब अबू तालिब जब महाज पर खुद बनफ्स नफीस पहुंच जाते थे तो हर्बुल फिजार का नक्शा बदल जाता था और ये लोग फतहयाब हो जाते थे, और जब घर पे रहते थे तो जंग का पल्ला कुछ हल्का रहता था, तो लोग आके दस्तबस्ता गुजारिश करते थे, अबू तालिब आप मैदान में आ जाया करें, सिर्फ महाज पर आ जाया करें, आपकी मौजूदगी से हमें फतह हासिल हो जाती। तसव्वुर करें, ये तारीख का बयान है, तारीख का हवाला भी मैंने दिया, तारीख इब्ने वाज़ह याकूबी, इसे पढ़िएगा और देखिएगा। और अब दो जुमले कह दूं कि अबू तालिब ऐसा शुजा है कि तलवार न चलाए तब भी फतह हासिल हो जाती है। गौर फरमा रहे हैं आप, उस अबू तालिब का बेटा है अली, इसलिए अगर शबे हिजरत अली इब्न अबी तालिब बिस्तरे पैगंबर पर लेट गए और उन पर रोब तारी रहा, हैबत तारी रही, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अबू तालिब न सही, अबू तालिब का बेटा लेटा हुआ है। वो तमाम मौके जब अली ने तलवार नहीं चलाई है और फतह हासिल हुई है। मिन जुमला उनके एक छोटा सा वाक्य अर्ज कर दूं। दुनिया समझती है कि दुनिया प्रोपेगेंडा करती है कि दुनिया में इस्लाम जो है वो फैला तलवार से। अब सुन लीजिए, अमीरुल मोमिनीन एक जंग में तशरीफ ले गए और एक शख्स आया। अभी मैंने क्या कहा था कि ला से इनकी जबान आशना नहीं थी, नहीं से इनकी जबान आशना नहीं थी। एक शख्स आया और उसने निहायत फरेबकारी के साथ कहा, या अली हमने सुना है कि तुमसे कोई सवाल करे तो जवाब जरूर देते हो। कहा हाँ। कुछ मांगे कोई तो जरूर अता करते हो। कहा हाँ। क्या मुझे अपनी तलवार दे दो। मैदान जंग, मैदान जंग, कोई और होता तो क्या कहता, कहता भाई कुछ और मांग लो, ये तो मैदान जंग है, तलवार तो देने की चीज नहीं, और तुम्हारे हाथ में तो खुद तलवार है, फिर मेरी तलवार क्यों मांग रहे हो। हजार जवाब हो सकते थे, अली थे अली। ये भी तारीख रकम की है। अली ने, उसने कहा अपनी तलवार दे दो, आपने इंतहाई बेनियाजी के साथ तलवार दे दी। उसने अली की तलवार ली और उसके बाद कहा कि या अली अब तुम्हें मुझसे बचाने वाला कौन है? कहा जिसने अब तक तुझको मुझसे बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हो गई।
अब तक तुझको मुझसे बचाया वही मुझे बचाने वाला। उसने आका की तलवार भी कदमों पे रख दी, अपनी तलवार भी कदमों पे रख दी, कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है अली, तलवार चलाई या नहीं चलाई? वो मौके याद रखिए जहां जहां अली ने तलवार नहीं चलाई है। और जब तलवार चलाते थे तब भी दूसरों की तलवार चलाना और अली की तलवार चलाना इसमें कोई मुआजना नहीं है। मशहूर वाकया है, मशहूर वाकया है जंग सफीन में मालिक अश्तर भी तलवार चलाते रहे और अमीरुल मोमिनीन भी तलवार चलाते रहे। और बाद में मालिक अश्तर ने पूछा मौला कितने कत्ल किए, मौला ने तादाद बताई, मालिक अश्तर ने कहा मैंने भी इतने ही कत्ल किए। कहा मगर मेरे कत्ल करने और तुम्हारे कत्ल करने में फर्क है, तुम्हारे सामने जो आता था तुम कत्ल कर देते थे, मेरे सामने जो आता था मैं देखता था कयामत तक इसकी नस्ल में कोई मुसलमान पैदा होने वाला तो नहीं। बस जाहिर सी बात है कि गुफ्तगू समेटना है मुझे, तमाम हो गई गुफ्तगू। अली वो शुजा हैं जिन्होंने शुजात से ज्यादा सब्र का मुजाहरा किया है, और हुसैन वो साबिर हैं कि दरअसल उनके उनका सब्र नहीं उनकी शुजात है जिसकी हैबत तारी है दुनिया पर। और हुसैन के साथ एक तो खुद हुसैन की शुजात और फिर हुसैन के साथ जो शख्सियतें थी, आप क्या समझते हैं हुसैन का जवान बेटा अली अकबर? देखिए अभी हमारी और आपकी मजबूरी है, जैसे ही इन हस्तियों का नाम आता है बस जब्त नहीं हो पाता, आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, कलेजा फट जाता है, सरो सीना पीटने का दिल चाहता है, बेताबी इस्तेराम, मगर इनके फजाइल हैं, इनके कमालात हैं, इंतहाई जखीम किताब लिखी जाती सकती है सिर्फ हजरत अली अकबर के हालात में। हजरत अली अकबर के फवाइल, मरातब, मकामात, मदीने मुनव्वरा में हिजरत से पहले सफर करबला से पहले अली अकबर मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स कहा करते थे। अली अकबर और शजाअत का यह आलम था कि करबला के सफर में जनाब अली अकबर का घोड़ा इमाम हुसैन के घोड़े के साथ साथ था, बाप के दाहिने तरफ बेटे का घोड़ा था। ये मंजर कुछ मानवियत रखता है, आका हुसैन के साथ साथ दाहिने आपके हजरत अली अकबर का घोड़ा रहा करता। ये जो मंजर है जो नकल हुआ है इसके अंदर मानवियतें पोशीदा हैं। और तभी तो वो रिवायत हम तक पहुंची है कि एक मकाम पर जब करबला नजदीक हो चुकी थी जनाब सैयद शुहदा ने एक मरतबा कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन,
जनाब अली अकबर ने फौरन पूछा, बाबा इस वक्त कलिमा इस्तिरजा जबान पर जारी करने का क्या मौका था? आका ने फरमाया कि अभी एक हालत नौमिया तारी हो गई थी, जिसे आप अपनी आम जबान में गुनूदगी कह सकते हैं, और मैंने देखा कि कोई ये कह रहा है कि देखो इस गरोह को कि ये अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। जनाब अली अकबर ने क्या सवाल किया? बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या सवाल है बेटे का बाप से, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? अब वक्त नहीं है कि मैं तफसीर करूं, तशरीह करूं, तजिया करूं। आका ने फौरन कहा, बेटा हम हक पर नहीं होंगे तो कौन होगा? कायदन लाओ नुबाली बिल मौत, बस फिर हमें मौत की क्या परवाह है, हमें मौत की कोई परवाह नहीं। ये बेटा अली अकबर, इसके कसीदे, इसकी मदहोसना, इसकी तौसीफ दुश्मनों की जबान पे भी थी, तारीख का हिस्सा है। अरबी अदब के बाद बेहतरीन कसीदे और बेहतरीन अशआर हजरत अली अकबर की शान में कहे गए हैं, और दुश्मनों ने कहे बाज बयानात हैं दुश्मनों को के जो जनाब अली अकबर की शान में, और रोज है आशूरा। आप एक दो फकरे में जनाब अली अकबर का तस्करा सुन के गुजर जाते हैं, शायद आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन और हजरत अब्बास के साथ साथ सबसे ज्यादा जिसने जंग की है मैदान करबला में, वो अली अकबर। यानी अली अकबर की जंग ने दुश्मनों को बद्र और उहद के अली की याद दिला दी थी, वो जंग की है अली अकबर। तारीख में तफसील मौजूद है। हाँ मगर एक बात है, आप किस वक्त मैदान में गए, इसमें जरा मुअर्रखीन में इख्तिलाफ है। कुछ ये कहते हैं कि जब जंग छिड़ गई तो आका हुसैन ने सबसे पहले अपने बेटे अली अकबर को भेजा है, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि नहीं, आका अली अकबर सबसे पहले शहीद नहीं हुए। और दोनों बयानात को जमा इस तरह किया जा सकता है कि दरअसल इमाम ने चाहा यही था कि सबसे पहले अपने बेटे को भेजें, मगर इमाम को ऐसे अस्हाब मिले थे जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके रहते हुए शबी है पैगंबर कातिल हो जाएगा। तो फिर अब जो अभी मैं मजलिस पढ़ने से कबल जो मुतालआ कर रहा था, तो एक बयान मुअर्रिख का नजर से गुजरा, जिससे यह अंदाजा हुआ कि वो मंजिल आ गई थी करबला में। याद रखना अजीजों, में शायद ये जुमला पहले कभी ना सुना हो आपने, वो मंजिल आ गई थी कि जब आका हुसैन को एक तरफ बेटे की मोहब्बत, और एक तरफ सिर्फ बेटे की हैसियत से नहीं, शबी है पैगंबर की हैसियत से, तो जब कोई बाकी ना रहा, अब्बास भी बाकी ना रहे, तो हुसैन ने खुद तहैया कर लिया मैदान जाने का। और उस वक्त अली अकबर आए, बाबा ये नहीं हो सकता, आज रुको मारो, बाबा ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है बाबा, अब आप मुझे इजाजत दे दें। बस ये चंद ऐसे शहादा हैं कि मैदान में भेजने से पहले आका इमाम ने एक खास अंदाज इख्तियार किया है। जब अली अकबर का इसरार बढ़ा और जनाब इमाम हुसैन ने अली अकबर को मैदान की तरफ भेजने की के लिए इज़्न अता फरमाया, तो अब ये तमाम मुअर्रखीन ने, अपनों ने, परायों ने, सब ने लिखा है कि आका हुसैन ने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए, اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام
اشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. اے معبود گواہ رہنا. اس ایک فقرے پہ پورا مرثیہ تمام ہے. حسین خلق خدا کو نہیں گواہ کر رہے ہیں, حسین اپنوں اور پرائیوں کو گواہ نہیں کر رہے ہیں, حسین خدا کو گواہ کر رہے ہیں. اے پروردگار گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, صورت میں, سیرت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور فرمایا اے معبود تو جانتا ہے ہمارے دل کی حالت, جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے. آقا نے رخصت کیا. آپ سنتے رہتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے, آپ ہر ذاکر سے سنتے ہیں مگر اس منظر کی تاثیر کبھی کم نہیں ہوگی. آقا نے رخصت کیا, بڑے اہتمام سے رخصت کیا, خدا کو گواہ کر کے رخصت کیا, بار بار سینے سے لگا کے رخصت کیا, مگر جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کی طرف گئے تو پیچھے پیچھے حسین نے دوڑنا شروع. یہ بے صبری بے تابی نہیں آئے, بیٹے نے محسوس کیا, بیٹے نے پھر لجام فرس کو کھینچا, گھوڑے سے اترے, بابا کے قدموں پہ گر پڑے. بابا آپ نے یہ انداز تو کسی شہید کے لیے اختیار نہیں کیا, آپ نے مجھے رخصت کر دیا, اب میرے پیچھے پیچھے کس لیے تشریف لا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ دو بیانات روایتی طور پہ بیان کرتے رہتے ہیں خطبہ. ایک بیان تو یہ ہے کہ آقا نے فرمایا بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کی جدائی کیسی شاق گزرتی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ بیان آقا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. اصل بیان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا تم میری خاص قربانی ہو خدا کی راہ میں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے, پیچھے پیچھے وہ خود ہوتا. اجرکم علی اللہ, آج جی بھر کے گریا کیجئے, جی بھر کے ماتم کیجئے گا. دو شبے رہ گئی ہیں عاشور میں باقی. علی اکبر گئے اور علی اکبر نے بے پناہ جنگ کی. اس روز جلال حیدری کا مذاکرہ کیا ہے علی اکبر. 3 دن کی بھوک اور پیاس اور اس پر شمشیر زنی کرتے رہے. تاریخ ہے, یہ تاریخ مبالغہ نہیں ہے. بے پناہ جنگ کرنے کے بعد اور خود زخموں سے چور ہو کر واپس آئے ہیں, اور آقا حسین سے ایک بار, یہ واحد شہید ہے جو جا کے واپس آیا ہے. لیکن اس واپس آنے سے پہلے ایک منظر اور ہے, اسے ذکر نہیں کیا میں نے, یہ بھی آپ سماعت فرمانے. آقا حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا, دوبارہ رخصت کیا, اور اس کے بعد در خیمہ پہ آ کر اپنے فرس پر جلوہ فرما ہو گئے, گھوڑے پہ بیٹھے, اور بی بیاں سب کی سب در خیمہ پر اکٹھا ہے. اور بی بیوں کی نظر حسین کے چہرے پر ہے کہ معلوم ہے جوان بیٹا ہے, امام ہے, حجت خدا ہے, ولی برحق ہے, انسان کامل ہے, صابر ہے, شاکر ہے, مگر سینے میں باپ کا دل ہے نا. اگر بیٹے پر کوئی کڑا وقت آئے گا تو چہرہ بتا دے گا. زینب کھڑی ہوئی ہیں, لیلہ کھڑی ہوئی ہیں, بیبیاں در خیمہ پر ہیں. اور ایک مرتبہ یہی ہوا کہ آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے پوچھا بھیا علی اکبر کی خیر تو ہے؟ کہا جا کے لیلہ سے کہو
कि दुआ करें, इसलिए कि एक जबरदस्त जंगजू का मुकाबला है। जनाबे लैला सहने खेमा में तशरीफ लाई, सर के बाल खोल दिए, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, परवरदिगार शबीह मुस्तफा की खैर, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। माँ की दुआ कबूल हुई, अली अकबर फतेहयाब हुए और उसके बाद पलट के बाबा के पास आए। जब आए हैं तो मैं ये कहता हूं कि इख्तियार नहीं, बस बे इख्तियार एक जुमला निकल गया, बे इख्तियार, और वो जुमला ये था कि बाबा बाबा प्यास मुझे मारे जाती है, ने क्या कहा? आका ने फरमाया बेटा अब ये बिल्कुल बेइख्तियार रद्द अमल है, बेइख्तियार इजहार, बेइख्तियार रद्द अमल। अब बेटा अपनी जबान जरा मेरे मुंह में दे दो। अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के मुंह में दी और फौरन खींच ली, बाबा आपकी जबान में मेरी जबान से ज्यादा कांटे पड़े हुए। इसमें ताकत है जो बयान कर सके, मगर तारीख में है। जाते ही शहीद नहीं हुए, बेपनाह जंग की, मगर उसके बाद एक शकी ने दूर से, किसी वहशी ने दूर से नैजे से सीने का निशाना लिया, शबीहे पैगंबर के सीने पे नैजा कर लगा, और शबीहे पैगंबर ने कहा या अलैकुम सलाम, बाबा आप पर आखिरी सलाम। हुसैन ने अली अकबर की आवाज सुनी और उसके बाद फरमाया, ए दुनिया, ए दुनिया, ए दुनिया, तुझ पर खाक हो बेटा अली अकबर, तेरे बाद इस दुनिया में खाक। सुरात के साथ मैदान में पहुंचे, देखा बेटा एलिया लड़ रहा है, सीने पे दोनों हाथ है, आका झुके, आका झुके। और बस अब मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, बाज रावियों ने लिखा है, बाज मकातिल में है, बाज मकातिल में है कि आका ने उस वक्त नजफ की तरफ रुख किया और तीन मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, या अली, या अली, या अली, मुझे नहीं मालूम अपने बेटे अली को पुकार रहे थे या अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब को आवाज दे रहे थे। अब बाबा को आवाज दी यकीनन, और उसके बाद झुककर बरछी का फल निकाला, खून का फव्वारा निकला, और हुसैन ने कहा अलविदा अली अकबर, अलविदा मातम हुसैन।